ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉ पी के झा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में 1,79,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 151,94,00,000 से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज से देश में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हुई है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर पी के झा। डॉक्टर झा नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर झा से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421764 यानी 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर झा, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की। जिस तेजी के साथ कोविड अपने पैर पसार रहा है, इसे लेकर सभी चिंतित हैं। कल 1,79,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर झा, आप देश की वर्तमान कोविड की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल डेल्टा वायरस जो था वो उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रहा था जितनी तेजी से ओमिक्रॉन ग्रो कर रहा। ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और आज का खुद ही आप डाटा बता रहे हैं 1,89,723 लोग एक दिन में इफेक्ट हो गए। जी, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट, इन्फेक्शन रेट ये काफी फास्ट है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ओमिक्रॉन लोगों को इन्फेक्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को इन्फेक्शन होने के बावजूद भी उनमें सीरियस केस कम देखा जा रहा है। ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं, तो इस पर प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए दवाइयां आ गई हैं कई, लेकिन अभी भी उतनी इफेक्टिव नहीं है जिससे हम ये कहें कि वो खा लें और आगे ठीक हो जाए। उसको रोकने के लिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना। अभी भी जो सावधानियां हैं, जो 2 गज की दूरी, फेस मास्क और हैंड हाइजीन, इस पर बहुत कंसंट्रेट करना है, सबसे जरूरी बात है। जी, और डॉक्टर झा, इस समय अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो अमेरिका में कल 3,00,000 से ज्यादा मामले आए और अगर हम इसका पूरा वीक एवरेज देखते हैं तो 7,00,000 केसेस सामने आए हैं। यूरोप में भी काफी तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में कल लगभग 1,25,000 मामले सामने आए, फ्रांस में कल 3,00,000 नए केसेस सामने आए हैं। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो सभी जगह तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और यही हम देख रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन के बावजूद बढ़ रहे हैं, लोगों को डबल वैक्सीन लग चुके हैं, कई कंट्रियों में ये सब में प्रिकॉशन और सो कॉल्ड बूस्टर डोज ये भी लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ वैक्सीन का फायदा ये जरूर है कि ये इन्फेक्शन को उतना सीवियर होने नहीं देता। तो जिन्हें वैक्सीन लगा हुआ है उनकी इन्फेक्शन भी थोड़ी हल्की होती है, इसलिए वैक्सीनेशन का तो इम्पोर्टेंस है ही, है बहुत जरूरी है। और
हमें सबसे बड़े अभी हमें भी ये कहेंगे, अभी भी कहेंगे कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, भीड़ वगैरह से दूर रहना चाहिए, नहीं तो और तेजी में बढ़ेगी। और डॉक्टर झा, अगर हम आपने वैक्सीनेशन की बात की है तो आज से स्वास्थ्य कर्मियों को और कोरोना वॉरियर्स और जो भी कोमॉर्बिडिटी या गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त हैं 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों को आज से प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में किस तरीके का माहौल था, कितना लोगों में उत्साह था प्रिकॉशनरी डोज लगवाने का। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी हमारा डॉक्टर झा से संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और श्रोताओं, आपको ये बता दें कि आज से जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं या जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आज से प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है और इसकी शुरुआत आज से हुई है। तो अगर आपने इसके लिए आप जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जी 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 बिल्कुल 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 हम आपको सुन पा रहे हैं। डॉक्टर झा, हम बात कर रहे थे आज से शुरू हुई प्रिकॉशनरी डोज की, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अस्पताल में किस तरीके का माहौल था, लोग काफी उत्सुक थे इस वैक्सीन को, इस प्रिकॉशनरी डोज को लगवाने के लिए, क्या कुछ था? ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है प्रिकॉशनरी डोज का, इससे हम लोगों में जिन्हें दो दो वैक्सीन लग चुके हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं और फ्रंट वर्कर भी काफी इसमें जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो वैक्सीनेशन में गवर्नमेंट लोगों का काफी उत्साह था, काफी उत्साह था, लोग काफी इंटरेस्ट लेके जी वैक्सीनेशन, वो हालत नहीं थी जब शुरू शुरू में लार्ज स्केल वैक्सीनेशन लेने में लोग डर रहे थे जी, तो काफी अच्छा रहा है जी। और डॉक्टर झा, अगर हम देखें तो जिन लोगों को ये प्रिकॉशनरी डोज, हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों की, इसके लिए क्या उनको कोई डॉक्टर से सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना है या वो वॉक इन में जा सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं? देखिए, वॉक इन में जा सकते हैं, लेकिन एक यही चीज है कि उनको कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं है जी, तो ये कैसे पता चलेगा जी। कई बार आदमी बिना कोमॉर्बिडिटी के भी आके कह सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो कम से कम उनको अपना फाइल रखना चाहिए पास में ताकि वो एक प्रस्तुत कर सके। नहीं तो कोई भी बिना कोमॉर्बिडिटी वाला भी 60 साल से ऊपर आएगा, वो कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जी, तो वो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि जो जिनको पहले करना चाहिए उन्हें करना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो जरूरी लोग हैं उनको ना मिले और दूसरे लोगों को मिल जाए जी। बिल्कुल, तो ये जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स, उन्हें बता दें कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और प्रिकॉशनरी डोज के लिए आप एलिजिबल हैं तो अपने जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं डॉक्टर का वो साथ रखिए ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि आपको मॉर्बिडिटी या गंभीर बीमारी के शिकार हैं। और डॉक्टर झा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को ये डोज लगवानी है उनका जो वैक्सीन का, इसके पहले उन्होंने जो दोनों वैक्सीन लगाई थी उसके बीच का अंतराल कितना रहना चाहिए? ये सारी एक्चुअली इशूज गवर्नमेंट तरफ से डालने, जैसे आपने कहा था टेक्निकल कमेटी होती है, तो ये रखा हुआ है कि 90 ये जो वैक्सीनेशन है जी, जो ये डोज कम से कम 9 महीने या 39 हफ्ते जो लास्ट डोज जो पड़ा था सेकेंड डोज उससे रहना चाहिए जी। और प्रिकॉशनरी डोज का जी। और डॉक्टर झा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में है और जो कोविड है वो इसी डिपार्टमेंट के लोग ट्रीट करते हैं, तो अभी जो नए केसेस आ रहे हैं आपके पास, तो किस तरह के लक्षण आप मरीजों में देख रहे हैं पहले के मुकाबले? ये ज्यादातर लक्षण जो पिछले बार हम देखे जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें हमें लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे, लोगों को निमोनिया, और ये इस वेरिएंट में ओमिक्रॉन में ज्यादातर लोगों को थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है, थ्रोट पेन जी, माइल्ड फीवर 100 के आसपास, किसी किसी को 101 तक आ जाता है बुखार, में ज्यादातर लोग 100, 99, 100, और ज्यादातर लोग 2 से 3 दिन में बुखार ठीक हो जा रहा है जी। और बॉडी पेन, हेडेक, ये सब हो रहा है जी।
और जैसे पिछले बार हमने देखा था दूसरी लहर में कि ऑक्सीजन एक बड़ा संकट बन के आया था और लोगों का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल था वो ड्रॉप हो जाता था, तो इस बार भी क्या कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा। ज्यादातर लोग दो तीन दिन में उनके बुखार चले जा रहे हैं और सांस की तकलीफ वाले भी कोई नहीं अभी इतने आ रहे हैं। हाँ, किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी हो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई किडनी की वजह से एडिमा हो जाए लंग में, तो वो अलग बात है। लेकिन जो केसेज आ रहे हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है, बातचीत होती है, पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड होता है। कई एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कई लोगों को माइल्ड सिम्टम होता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन वो अच्छा मेंटेन कर रहे होते हैं जी। तो कम से कम ये राहत की बात है कि इस बार जो जी इसी की वजह से इतने ज्यादा केस होने के बावजूद भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है जी। तो ये बहुत ही राहत देने वाली बात आपने हमारे लिसनर्स को बताई। और डॉक्टर झा, अब कुछ लिसनर्स कॉल लेते हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले भिवानी का रुख करते हैं, जहां से रामानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। रामानंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रामानंद जी, की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी 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 रामानंद जी बताइए। जी जैसे मैंने 23/4 सेकेंड डोज जो है वो ले ली थी जी, दोनों डोज लगवा ली है। 23 जनवरी को जो है 9 महीने होंगे, तो मैं क्या एक दिन पहले 10 दिन पहले भी ले सकता हूँ या 23/4 के बाद में, 23 जनवरी के बाद में? नहीं, आप 9 महीने, रामानंद जी आपको जो 9 महीने का जो पीरियड दिया हुआ है, ये सारे जो एक्सपर्ट कमेटी सब बात करके काफी सोच समझ के डिसाइड करते हैं, ये तो लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रामानंद जी ने जो सवाल पूछा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि सीनियर सिटीजन है और कोमॉर्बिडिटी अगर है तो क्या उनका ये टेन्योर पूरा हो गया है कि नहीं। और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बार उनको जो लोग प्रिकॉशनरी डोज लगवा रहे हैं उन्हें वही वैक्सीन लगवानी होगी जो उन्होंने पहले लगवाई थी? जी हाँ, रिकमेंडेशन यही है कि वही वैक्सीन लिया जाए, क्योंकि वैसे आप जाएंगे, काफी चर्चाएं चल रही हैं कि क्रॉस वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन ये भी देखा कि हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन से हेट्रोजेनस जो है ना रिएक्टिव भी केसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो सारे कमिटी बैठ करके डिसाइड करके इन्होंने यही अल्टीमेटली रिजल्ट निकाला कि हमें वही वैक्सीन लेना चाहिए जो हम लिए थे जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मेदांता अस्पताल गुरुराम के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पी के झा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2342-1764 पर कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर झा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, और ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की दवाएं लेनी है, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें पहले तो ये देखना चाहिए कि उनके पास आइसोलेशन की प्रॉपर जगह है कि नहीं है, सेपरेट रूम सेपरेट बाथरूम है तो ज्यादा अच्छा है। और जो केयर गिवर है वो भी दोनों वैक्सीन ले रखा हो जी, और उन्हें सावधानी इस बात की खाली रखनी है कि कोई नया सिम्टम होता है या फीवर हाई होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन अपना चेक करते रहें, यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से नीचे जाता है तो उन्हें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, कोई सांस की दिक्कत होती है तो जरूर करना चाहिए, कहीं लगता है कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रही है तो इमीडिएटली करना चाहिए चेक, तो बहुत ऐसा फैक्टर है। मॉनिटरिंग का सबसे तरीका घर पर यही है कि यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन वो चेक करते रहते हैं और फीवर ठीक है, कोई सांस की दिक्कत नहीं होती है, तो नॉर्मली ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि 4 से 5 दिन में वो बेटर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं जी। और डॉक्टर झा रुख कर लेते हैं शहरे तहजीब लखनऊ का, जहां से मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार आरिफ, मैं आरिफ बात कर रहा हूँ लखनऊ से जी। जी आरिफ साहब नमस्कार।
जी नमस्कार, ये ओमिक्रॉन जो ये नया वायरस आया हुआ है तो इसके लक्षण क्या होते हैं जरा इसको डिटेल में बताइए, समझा के डिटेल। मतलब ये कोरोना की तरह होता है कि इसमें ओमिक्रॉन भी सब कोरोना वायरस का ही रूप है, अलग अलग इनके नाम दिए जाते हैं, जैसे डेल्टा नाम दिया गया, अल्फा नाम दिया गया, तो इसी तरह इसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया। तो इसमें सिम्टम्स ज्यादातर लोगों में माइल्ड हो रहे हैं और ज्यादातर सिम्टम्स इनमें थ्रोट पेन ज्यादा लोगों में देखा जा रहा है और बुखार 100-101 के आसपास, बॉडी पेन, हेडेक, ये सब चीजें। इसमें इतना हम वो नहीं देख रहे जो डेल्टा में देख रहे थे, लोगों में लॉस ऑफ जो ये हो जा रहा था टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल, वो सब पे कंप्लेन नहीं आ रहा है। तो ज्यादातर लोग को थ्रोट सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं, कॉमन कोल्ड की तरह भी समझ लीजिए, जैसे सर्दी जुकाम वाले सिम्टम्स या थ्रोट पेन, ये चीज ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर झा, जैसे नॉर्मल, जैसे लास्ट टाइम दूसरी लहर और पहली लहर के समय हम लोगों ने देखा कि जब भी जो भी कोविड पॉजिटिव लोग थे, होम आइसोलेशन पे थे, तो उसको हाई लिक्विड डाइट लेने के लिए कहा जाता था। तो इस बार किस तरह की प्रिफरेंस है कि क्या हम जो लोग करते हैं हाई लिक्विड डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, हम लोग हर एक फीवर में हर एक बिजनेस को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए बॉडी में। और जो आपको सर्दी जुकाम या हाई फीवर होता है तो ऐसे भी आप अपने बॉडी से ज्यादा फ्लूइड लॉस करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है हाई फ्लूइड इंटेक पर जोर देते हैं। जी, और पूर्णिया बिहार का रुख करते हैं जहां से मजहर भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। हेलो मजहर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार मजहर जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार मजहर जी, नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि आज से लगभग 2 महीने हो गया, मेरा दोनों डोज पूरे हुए हैं जी। तो अब जो मेरे घर पे यानी कि फर्स्ट डोज वाले आते हैं और बोल रहे कि एक ही डोज लगाएंगे और दूसरा डोज नहीं लेंगे, तो उससे आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या नहीं बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी आपको ही बरतनी चाहिए और जो उन्होंने एक ही डोज लगाए उनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी का अभाव होगा, क्योंकि जो दूसरा डोज है पहला डोज से आपकी इम्यूनिटी इतनी नहीं आती, जब दूसरा डोज पड़ता है तब आपकी इम्यूनिटी डेवलप होता है। जी बिल्कुल, और श्रोताओं वो सारी प्रिकॉशन वही रखना है, यदि घर में है तो दूरी मेंटेन रखिए और हैंड हाइजीन पर ध्यान रखिए, ये सब करना होगा। जी बिल्कुल, तो जो सुरक्षित दूरी है वो बनानी है, हैंड हाइजीन रखनी है। और श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछकर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 0112342174 और यहां से अब हमारे अगले श्रोता जुड़ गए हैं प्रमोद जी भिवाड़ी से ही। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, आने से बोल रहा हूँ जी। बोले प्रमोद जी, मैंने दोनों डोज लगवा ली है जी जी, और सितंबर में मेरे को दूसरी डोज लगी थी जी जी। अब मैं बीपी की शिकायत है मुझे, मैं बूस्टर डोज लगवाना चाहता हूँ। आपकी उम्र क्या है? 3 महीने बाद मैं लगवा सकता हूँ जी? प्रिकॉशनरी डोज लगवाना चाहते हैं। एक सवाल हो रहा है जी, आगे आगे परिवार, आगे कई परिवारों में ब्याह शादियाँ होंगी तो वो क्या प्रिकॉशन रखे जो मतलब रिस्क ना बढ़े जी? और एक चीज ये बता दीजिए, आपकी उम्र क्या है? 66 साल है। 66 साल है। और आप क्या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? बीपी से जी डॉक्टर साहब। ठीक है, लेकिन अभी आपने तो सितंबर में ही डोज लगवाया है दूसरा, तो जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अभी जी। हाँ, तो इसीलिए उसके लिए तो रुकना होगा। और शादी ब्याह में ये तो हम लोग 2 साल से सीख ही लिए हैं कि पहले तो शादी ब्याह में उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, और जो सबसे जरूरी चीज है मास्क लगाए। और मास्क में हम चाहेंगे यदि उसमें जाते हैं तो N95 वाला मास्क लगाइए, ये नहीं कि खाली कपड़े का लगा लिया या गंठा लपेट लिया जी। तो वो दूरी है, और जहां तक हो दूरी मेंटेन रखे मास्क जी। डॉक्टर झा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो मास्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के डर से, पुलिस के डर से, है ना, प्रशासन के डर से मास्क लगाते हैं और बहुत ही पुअर क्वालिटी का मास्क खरीदते हैं, और वो मास्क अक्सर उनकी नाक के नीचे रहता है तो ऐसे वो गिरता रहता है मास्क। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस समय संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो लोगों को मास्क लगाने का सही तरीका और किस तरीके का मास्क लगाना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग जो मास्क लगा रहे हैं आज के डेट में सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पुलिस ना पकड़ ले
या कुछ ऐसा। और इसी तरह लोग एक ही मास्क को बार बार यूज कर रहे हैं, कभी पॉकेट में रख लेते हैं, आगे से टच करते रहते हैं। तो मास्क लगाने के लिए सबसे जरूरी है एक तो मास्क ऐसा हो जो कि आपके चेहरे पर अच्छी तरह से फिट बैठा हो, मतलब हवा न लीक कर रहा हो इधर से उधर से और न अंदर से कहीं प्रवेश कर रहा हो। और मास्क को कभी भी हैंडल करते हैं तो सामने से न छुए, क्योंकि सामने का पार्ट है इन्फेक्टेड है, और आपने इन्फेक्टेड पार्ट से हाथ छुआ फिर आंख छू लिया या नाक छू लिया अंदर, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि किसी कारण से आगे से आप करते भी हैं तो सैनिटाइजर रखिए जो 70% अल्कोहल होता है, और उससे अपना हाथ कम से कम साफ करके तभी छुए। जी बिल्कुल, तो मास्क लगाएं, सही ढंग से लगाना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कविता जी जुड़ गई हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। कविता जी नमस्कार। कविता जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार कविता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी कविता जी बताएं। एक्चुअली मुझे ना ये पूछना था, मेरी 40 ईयर्स की मेरी एज है जी, और मेरे हस्बैंड है 43 ईयर्स, हमें दो बच्चे हैं 11 ईयर्स और 13 ईयर्स के। तो हम लोग को कितना विटामिन डी जिंक प्रिकॉशनरी हमें लेना चाहिए? नहीं, पहले हमें दिमाग से ये बात में निकाल देना चाहिए कि कोई भी जैसे विटामिन डी, मल्टी विटामिन, विटामिन सी, ये सब चीजें कोई प्रिवेंशन करती है इन बीमारियों से। इनसे ना तो कोई फायदा भी देखा गया है ना कोई ऐसा नुकसान भी देखा गया। लेकिन यदि विटामिन डी हाई डोज में लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते जाते हैं खून से, तो उससे परेशानी हो सकती है। तो विटामिन हम प्रिस्क्राइब सिर्फ इसलिए करते हैं थोड़ा बहुत की ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करती है। हमारे बॉडी में विटामिन का काफी रोल है, मेटाबॉलिज्म में रोल है, तो एक नॉर्मल डोज में लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम लगातार देते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर झा हमारे सुनने वालों को बताई है, क्योंकि अगर हम देखें तो सेकेंड वेव की अगर हम बात करें या फर्स्ट वेव की बात करें तो विटामिन सी, जिंक, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो ओटीसी प्रोडक्ट बन गए थे और लोग इसे प्रिकॉशनरी मेडिसिन के तौर पर ले रहे थे, बहुत हाई डोज में अनलिमिटेड टाइम तक लेते रहे और इससे नुकसान भी हुआ लोगों। जी तो कई बार इसकी बाजार में किल्लत भी देखी गई, जो जरूरतमंद है उन्हें नहीं मिल पाती थी। तो अब आपने जैसा कि सुझाव दिया कि इनकी अनावश्यक रूप से जरूरत नहीं है, इसे इसका सेवन ना करें, एक मेंटेनेंस डोज के रूप में ले लिया करें जो दिल्ली के हिसाब से होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है दिल्ली। जी और डॉक्टर झा जैसे इस समय आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी नई मेडिसिन हैं जो आप लोग इस बार कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं? इस बात पर जरूर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि एक नई एंटीवायरल मेडिसिन मार्केट में आ गई है जी, मोलनुपिराविर जिसका। तो ये दवाई जो है ये तभी यूज करना है जब हमें उसके आगे का कोई मेडिसिन, जैसे इंडिया में रेमडेसिविर है तो वो अवेलेबल है, यदि वो भी नहीं हम दे सकते हैं किसी को तभी इस दवाई का देना चाहिए। और इस दवाई के साथ जैसे पिछली बार था फैबी फ्लू चल रही थी, लोग कई बहुत लंबे समय तक भी खाते रहते थे, तो ये दवाई जो है मोलनुपिराविर इसमें दो चीज है। एक तो प्रेगनेंट लेडी में या जिससे कंसेप्शन होना है उसमें उनको बहुत सावधानी रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए जहां तक हो सके, और यदि लेना भी है तो उन्हें कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सचेंज करनी चाहिए उससे सेक्स से। कम से कम जो इसका जो डोज है 5 दिन का होता है 800 मिलीग्राम सुबह शाम दो बार, और ये 5 दिन के लिए, तो लास्ट डोज से कम 4 दिन। और मेल में तो और ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उनको कम से कम 3 महीने जो लास्ट डोज थे उनके अर्जेंट रखना है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस दवाई को लेफ्ट राइट ना यूज करें, जिनमें बहुत जरूरी है जैसे कोई 65 साल का आदमी है, हाई रिस्क केस है, उसको सीवियर केस में जाने का खतरा है, तो ऐसे लोगों को ही प्रिस्क्राइब करें घर पर लेने के लिए। जी बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर झा आपने श्रोताओं से शेयर की कि एंटीवायरल्स हमें कभी भी ओटीसी नहीं लेना है, अपने आप से नहीं लेना है, जब तक डॉक्टर इसे रिकमेंड नहीं करते हैं या आपकी स्थिति ऐसी नहीं हो पाती कि आप आम दवाइयों से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, उस केस में एंटीवायरल्स का प्रयोग किसी चिकित्सक के परामर्श पर ही आपको करना है। और सुनील जुड़ गए हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
सर मेरा ये सवाल है, जैसे ओमिक्रॉन में अगर लक्षण के भी आदमी रहते हैं, वो चेकअप नहीं कराएंगे तो फैलाते जाएंगे, तो फिर इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए, जो यदि कोई एसिम्प्टोमेटिक है जिससे कोई लक्षण नहीं है तो उसे तो कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको सिम्टम है तो उनको चेक जरूर करा लेना चाहिए। यदि वो नहीं मानते हैं, नहीं चेक कराएंगे, तो कम से कम सिम्टम के आधार पर भी उनको आइसोलेशन में रखें, या वो नहीं रहना चाहते तो बाकी लोग रहें, बचाव तो करनी पड़ेगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर झा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जब लोग होते हैं तो उस समय बहुत दिक्कत की बात होती है, और अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो व्यक्ति घर से बाहर जाता है, नॉर्मली अगर देखें तो महिलाएं और बच्चे ज्यादातर घरों में घर पे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर काम पे जाना पड़ता है, और वो अगर पॉजिटिव होकर घर आते हैं तो ऐसे में बाकी सदस्यों को किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए? तो बाकी सदस्यों को वही अल्टीमेटली वही रूल है हमारा, जो कि जब हमें लगता है कि इसको इन्फेक्शन है तो उनसे बाकी लोगों को डिस्टेंस को मेंटेन रखना ही होगा, और दूसरा जो बाहर जाते हैं उनको प्रॉपर मास्क लगा के जाना चाहिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, तभी बचाव हो सकता है। जी, और यामीन भाई रेडियो वाला गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, यामिन भाई नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली के अंदर 25% तो लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो अब हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? जी, मैंने ये कहा कि पहली बात ये देख रहे हैं कि हम लोग सभी अनुभव कर रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन है, जैसे हम लोग कॉमन कोल्ड की तरह सिम्टम्स है, तो ज्यादा लोगों को खतरा नहीं है, और आप ये भी देखेंगे एक ही फैमिली में बहुत लोग हो गए, कितने बड़े बड़े नेता सभी को ये कैच कर रहा है, इसीलिए चिंता का विषय है कि इतनी तेजी में ये फैलता है। लेकिन एक ही चीज इसके साथ है, ठीक है, ये अभी तक बहुत सीरियस टाइप का केस नहीं प्रोड्यूस कर रहा। जी बिल्कुल, तो ये तो हमें उससे बचने के, हमें वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, नहीं लिया है, यदि हम बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है तो वो भी जरूर लगवाना चाहिए। जी हमें, यदि हम बाहर निकले मास्क लगा के निकले, चाहे वो ऑफिस हो, खाने के टाइम में बैठे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में लगाते हैं, जब खाने के टेबल पर एक साथ बैठते हैं सब एक दूसरे से खाना निकाल के खाते हैं, एक फुट की दूरी भी मेंटेन नहीं रखते, तो दूरी मेंटेन रखना, मास्क लगाना, हाथ की सफाई, ये तीन चीज ही ऐसी है जो आपको बचा सकती है। बिल्कुल, वैक्सीन के अलावा, बिल्कुल, तो वैक्सीन के साथ ये ऐसी वैक्सीन हैं जिन्हें हम सोशल वैक्सीन भी कहते हैं, कि मास्क है और दो गज की दूरी है, हैंड हाइजीन है, जिससे आप कोविड से बचे रह सकते हैं। और डॉक्टर झा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन्हें अपनी डाइट किस तरीके की लेनी चाहिए, अपना खान पान किस तरीके का रखना चाहिए? देखिए, कोविड में डाइट जो है, जैसे आप नॉर्मल खाना खाते हैं खाइए, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि खाना थोड़ा सुपच हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, ताकि आसानी से पच सके, और फ्लूइड का इंटेक अच्छा लीजिए ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। तो खाने में ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो भी आप नॉर्मल खाना खाते हैं खाइए, बस बैलेंस डाइट होना चाहिए और सुपच होना चाहिए। जी, बैलेंस डाइट लें और पूरा भोजन करें और हाई लिक्विड इंटेक रखें, ये मंत्र दिया है डॉक्टर पीके झा ने। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और डॉक्टर झा आप आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर झा ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आपके आसपास संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है तो कोरोना से बचे रहिए। जो भी हिदायतें डॉक्टर साहब ने आपको दी हैं कि आपको मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है और दो गज की दूरी बनाए रखना है, इसका अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करते रहेंगे तो आप कोविड से बचे रहेंगे, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर पी के झा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।